रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे के पक्ष में स्पीकर ने फैसला सुनाया, उद्धव की याचिका स्पीकर ने खारिज की। राहुल नार्वेकर ने कहा शिंदे गुटी असली शिवसेना, ईसीआई के रिकॉर्ड में भी शिंदे गुटी असली शिवसेना। फैसला सुनाते हुए नार्वेकर ने कहा मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा। बड़ी खबर, स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा उद्धव ठाकरे को शिवसेना के किसी पदाधिकारी को हटाने का अधिकार नहीं, अगर किसी पदाधिकारी को हटा रहे हैं तो उसके लिए पार्टी में बहुमत की जरूरत। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को हटाने का जो फैसला लिया वो सही नहीं है। उद्धव ठाकरे बोले ऐसा फैसला लोकतंत्र की हत्या। इसी बड़ी खबर, स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा लोकतंत्र की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा 2018 की नियुक्ति अगर गलत थी तो ये लोग कैसे चुनाव में खड़े हुए, कैसे चुनकर आए। स्पीकर ने फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, ये आदेश मैच फिक्सिंग। चौथी बड़ी खबर, शिंदे गुट की जीत पर संजय राउत का बयान, शिवसेना खत्म नहीं होगी। संजय राउत ने आज का निर्णय को साजिश बताया। संजय राउत ने कहा यह पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है, हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पांचवी बड़ी खबर, स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा स्पीकर का फैसला मौका परस्ती, संविधान को दरकिनार किया, जनता सब देख रही है। छठी बड़ी खबर, विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा यह जो फैसला आया है बहुत अच्छा है, संविधान और कानून के मुताबिक है, हमें इस फैसले की अपेक्षा थी। सातवीं बड़ी खबर, शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर एनसीपी पवार गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड ने ट्वीट किया। जितेंद्र अवार्ड ने कहा यह तो होना ही था, न्याय की अपेक्षा कौन करता है, जनता न्याय करेगी। आज बड़ी खबर, विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न, बाला साहेब भवन पर शिंदे समर्थक इकट्ठा हुए, वहीं मातोश्री के बाहर सन्नाटा पसरा। रात 9 बजे की 9वीं बड़ी खबर, कांग्रेस ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराया, 22 जनवरी को सोनिया खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे, कांग्रेस ने कहा न्योता सम्मानपूर्वक अस्वीकार। ये बीजेपी आरएसएस का आयोजन, मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। बड़ी खबर, कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस का चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता, ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, ये वही कांग्रेस हो जो बार बार राम के नाम की आलोचना करती है। ग्यारहवीं बड़ी खबर, 17 जनवरी को रामलला की अचल मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेगी, परिसर में शोभा यात्रा निकालने की रस्म पूरी की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अनुष्ठान में होंगे 11 यजमान और 12 अधिवास। ब्रह्म गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ और प्रमुख आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12वीं बड़ी खबर, एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कार सेवकों पर हुई फायरिंग जायज थी, तत्कालीन सरकार ने कर्तव्य निभाया था। तेरहवीं बड़ी खबर, 14 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी है, लेकिन यात्रा को लेकर मणिपुर सरकार से इजाजत नहीं मिलने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। भारत न्याय यात्रा पर मणिपुर के सीएम ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद गंभीर। चौदहवीं बड़ी खबर, गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आगाज, पीएम मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, इस दौरान पीएम के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी की। पंद्रहवीं बड़ी खबर, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पीएम मोदी की गारंटी का, हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा विकास, 12 जनवरी तक सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन होगा। सोलहवीं बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने कहा रिलायंस एक गुजराती कंपनी थी, है और हमेशा रहेगी, रिलायंस ने पिछले 10 सालों में भारत भर में 12 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है।
17वीं बड़ी खबर बिहार में इंडिया गठबंधन की 20 सीटों को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जेडीयू ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा अगर जल्दी सीट शेयरिंग नहीं हुई तो इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। अठारहवीं बड़ी खबर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी महासचिवों की मीटिंग। जेपी नड्डा ने राम मंदिर लोकसभा चुनाव पर चर्चा की, सभी महामंत्रियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी। उन्नीसवीं बड़ी खबर ईडी ने ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वायकर को समन भेजा। 17 जनवरी के दिन वायकर को पूछताछ के लिए बुलाया। कल ईडी की कई टीमों ने रविंद्र वायकर के ठिकानों पर रेड की थी।